हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज 17 फरवरी 2021 है और आज से मैं अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं डेली ब्लॉगिंग या फिर 2-4 दिन में एक बार एक वीडियो आया करेगा। मेरी डेली लाइफ में क्या होता है उससे रिलेटेड। हम अब ये फर्स्ट टाइम एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग टाइप का। इससे पहले मेरा एक चैनल था नॉलेज राजा टाइप करके, जिसमें पढ़ाई वाले कुछ वीडियोज़ में डाला करता था। अभी हम और मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का आएगा, कैसा होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। और बस हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, थोड़ी नर्वसनेस भी फील हो रही है इस वजह से, और ज़्यादा कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। जैसा आपको लगे वीडियो आप मुझे बताइए। मैं फर्स्ट वीडियो ही है आज इसलिए और बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे भी आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट होना है, थोड़ा कनेक्टेड होना है। फिलहाल तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं पूरा पूरा ऐसे अपलोड कर दूंगा। इसमें कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, क्या हम कुछ भी अलग से मिर्च मसाला, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का अपनी लाइफ को इतना एंजॉयफुल दिखा रहे हैं जो कि अगर नहीं भी हो सकती किसी किसी की। जो मेरी लाइफ जैसी चल रही है बिल्कुल वैसी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। और शायद कभी कभी ये होता है कि अगर अपने आप को किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करो तो धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट आते रहता है लाइफ में, तो शायद मेरी लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट है सिर्फ आप लोगों की वजह से। और फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ जैसा लगे आप बताना, अच्छा बुरा। अभी तो फर्स्ट टाइम मैं अपना मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब आगे पता नहीं, देखो अगर अच्छा सब कुछ रहा तो फिर कैमरा भी लेंगे। जैसा आप बताइए, सब आप लोगों पर डिपेंड करता है, जो आप लोग जैसा रिस्पॉन्स देंगे उस टाइप से हमारे वीडियोस, उस टाइप से ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव होगी, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होगी और धीमे धीमे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो। थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही है अभी और बस, एंड थैंक यू प्लीज़। कुछ गंदे कमेंट्स मत करिए क्योंकि वो चीज़ आपकी इमेज को शो करता है कि आप कैसे हैं। और बस जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ, बस अपना भाई अपना दोस्त समझ के मुझे भी सपोर्ट करिए तो अच्छा रहेगा। और सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाया करेंगे, फिलहाल आज तो ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर से, 2:15 हो रहा है अब। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, पानी नहीं पी लूँ फिर आपसे थोड़ा दोबारा से इंटरेक्ट होता हूँ। ठीक है, तो अब फिर से वापस आके पानी पी के, फिलहाल मेरा नाम राजा मिश्रा है, नाउ आई एम इन गाज़ियाबाद, अपनी दीदी के घर पे इस टाइम हूँ। और लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है और यही मेन परफेक्ट टाइम है अपना एक चैनल बनाने का। अभी अपने नाम का एक चैनल बनाऊंगा राजा मिश्रा नाम से, जो आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, और फिर इस पे धीमे धीमे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। डेली एक वीडियो आया करेगा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो बस स्टार्ट। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा अच्छा अच्छा सब कंटेंट बनता रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा कंटेंट बनेगा, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। और मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे इंस्पिरेशन भी कुछ ब्लॉगर से मिली है, जैसे मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं मुंबई कर निखिल, निखिल शर्मा जिनका नाम है, जो मुंबई से हैं, और कानपुर के एक गौरव भाई हैं अपने, ठीक है, और दिल्ली के हैं कि जेएस नेशन, जेएस फिल्म्स, जसप्रीत भाई, उन ब्लॉगिंग वो करते हैं। उनके पास जो नीलिमा बाइक है, अरे बहुत मस्त लगती है उनकी बाइक, उनके पास बाइक का कलेक्शन इतना सारा है कि हद, मतलब इतनी अच्छी अच्छी कार्स वो दिखाते हैं अपने ब्लॉग में, मुझे उनके ब्लॉग्स इसीलिए बहुत पसंद है। और निखिल भाई इस टाइप से हैं कि उनकी लाइफ में जैसा अच्छा बुरा खराब जो भी चलता है वो एकदम बिल्कुल क्लियरली वही चीज़ शो करते हैं, ये नहीं कि अजीब सा कुछ दिखा रहे हैं। तो आपको शायद इस मेरे ब्लॉग में तीनों का कंटेंट मिल सकता है, और मेरा कुछ भी मेरा स्पेशल खुद का भी जो नेचर होता है वो भी होगा, और बस देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा तभी आप लोग भी देखेंगे।
जो भी इम्प्रूवमेंट होगी आपके सामने होगी, आपकी वजह से होगी, और जितना भी जो कुछ भी होता रहेगा सब ठीक ठाक। फिलहाल गणेश जी के दर्शन कीजिए, दोपहर है। जय गणेश, लक्ष्मी जी की जय। ये नीम करोली वाले बाबा जी हैं, लड्डू गोपाल अपने फेवरेट। चलो ठीक है, बस अभी हम बनाने जा रहे हैं वीडियो के लिए अपना चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब। हेलो, यूट्यूब का चैनल मेरा बन चुका है, ये देखो अब सब कुछ बन रहा है। कैसे कैसे ये स्टूडियो होता है उस पर सब देख रहे हैं, कैसे सारे सारे चीज़ एडिट करनी है, क्या करना है, ये सब चल रही है। फिलहाल आप हमें देखिए, अब टाइम हो गया दोपहर का, चैनल मेरा बन चुका है। अब जो भी होगी सेटिंग वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल अब टाइम भूख का हो रहा है, खाना खाते हैं अकेले घर पे, तो फिर अभी खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। वेट अ मिनट, बहुत सेक्सी सी किचन है, देखिए। भूख भजन न होए गोपाला, पहले चलो खा लो खाना। तो बस 2 मिनट में खाना खा के आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग भी खाना खाइए। टाइम टू ईट फूड। खाने को देखो तो लग रहा है बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक पराठा रखा हुआ है, लेकिन खाना बहुत गजब बनाते हैं हम। खा मत लेना मेरे हाथ का, इतना गजब बनाते हैं, दोबारा किसी के हाथ के खाने का मन नहीं करेगा ना। हो गई तारीफ, बस ओके काम डाउन। बोली कहाँ है, कहाँ है पट्टा बेलन, कहाँ है। अरे यार क्या किया है, पटा बेलन यहाँ पे धुलने को रखा हुआ है, अब पहले धुलें फिर बनाएं तब खाएं। आज तो लग रहा है फिर से, जैसे नहीं होता कि खुद से कुआं खोद के पानी पीने वाला हाल, तो वही लग रहा है। अब बनाएंगे पहले बाद, उससे पहले धुलना पड़ेगा सब कुछ। सो अब धुल लें, चलो अभी सारा कुछ तो नहीं धुलेंगे, जो कि जरूरत है धुलने वाली वो धुलेंगे। कर लीजिए, ये तो जरूरी भी है। एक मिनट मिलते हैं। तो इन पेन का इतिहास कुछ ऐसा है कि हमारे फ्रेंड को बहुत पसंद आए थे पेन, हमने उसके में रख दिए थे, मतलब हमने उसको दे दिए थे। अब पता नहीं वो भूल गया है कि छोड़ गया है मेरे लिए या क्या है यार, उसको पसंद थे पेन। अब चलो देखते हैं, उसके लिए दोबारा कुछ अच्छा ऑर्डर कर देंगे। अब थोड़ी देर मुझसे बात करेंगे शाम को तो पता चलेगा, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा यार।
अभी फोन करके फिर बात करते हैं आपसे यार, दोस्त है उसके लिए अब इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिर हम पढ़ाई करने के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा शाम में, और हो सकता है कहीं बाहर जाएं तो आपको वो भी दिखाते हैं गाजियाबाद में कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अभी कंफर्म नहीं कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन अगर गए कभी भी आज कल परसों जब भी जाया करेंगे तो आपके लिए एक ऐसी जगह जरूर एक्सप्लोर करेंगे जो शायद गाजियाबाद में आपको अच्छी लगे। आप अगर कभी गाजियाबाद आए, अगर जो गाजियाबाद वाले लोग हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी, और आप में से अगर कोई गाजियाबाद से है तो मुझे बताइए कि कहाँ घूमने लायक है अच्छा, दिल्ली नोएडा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, हाँ बताइए हम भी जाएँ घूमने, क्योंकि अभी नए ही हैं हम यहाँ पे। ठीक है बाय, शाम को मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर बची शाम होने में, थोड़ा पढ़ लें फिर थोड़ा आराम कर लें, थक गए हैं खाना खाने के बाद वैसे सुस्ती आती है तो वही फिर। ठीक है बाय। यहाँ तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ और रात रात के शाम के 7:30 गए, गला एकदम सूख गया, खाना खा के बस पढ़ाई करके थोड़ा सा ऐसे लेट के सो गए थे, पानी वानी कुछ नहीं पिया है, अभी उठे अब पानी वानी कुछ पीते हैं, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, अभी वीडियो एडिट भी करना होगा आप लोगों के लिए, और अभी अगर टाइमली एडिट कर देंगे तो टाइमली अपलोड भी करके आप लोग देखोगे तभी अच्छा लगेगा आपको और मुझे भी। सो आज के वीडियो बस यहीं तक एंड करते हैं, कल का वीडियो टाइमली आएगा और शायद सही टाइम से आए, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अभी तक अगर देख लिया वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना आप, अगर कोई सर्दी लग रही है उठने का मन नहीं कर रहा है, लाइट जगा दें। बाय, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, एडिट करने के बाद आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।